महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के सिद्धनाथ पर स्थित वटलेश्वर महादेव 84 महादेवों में 75वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कुबेर का मित्र मणिभद्र था, उसका पुत्र वडल था, वह रूपवान और कामी था। एक बार कुबेर के उद्यान में गया, वहां उसने पति के साथ रमण किया। कुबेर के उद्यान के रक्षकों ने उसे मना किया, तब वडल ने उन्हें अपनी गदा से मारा। तब उन राक्षसों ने इसकी मणिभद्र से शिकायत की। मणिभद्र ने अपने पुत्र को श्राप दिया कि वह दीनहीन, क्षय रोगी, लंगड़ा, अंधा और बहरा हो जाए। उसे पृथ्वी पर पटक दिया। वडल बहुत विलाप करने लगा। तब उसका पिता मणिभद्र उस स्थान पर आया। उसने पुत्र को समझाया कि कुबेर के उद्यान को अपवित्र करने तथा वहां के रक्षकों को मारने के कारण उसने उसे यह श्राप दिया है। तुम एक काम करो, मैंने इंद्रलोक में नारद जी द्वारा स्कंद पुराण की कथा करते हुए सुना है कि महाकाल वन में स्वर्गद्वार के दक्षिण में एक महान लिंग है, उसका पूजन करने से संकट दूर होता है और रूप तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। तब पिता पुत्र महाकाल वन में आए। वहां इस लिंग के स्पर्श से वडल के शरीर के सब रोग दूर हो गए। इसी कारण इस लिंग का नाम वडलेश्वर हुआ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वडलेश्वर के पूजन से शिव के गण बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।